आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे आइए, क्लास टेंथ के एक सिद्ध करने वाला सवाल क्या है, रूट सिद्ध करें रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, यानी कि सिद्ध करें रूट थ्री अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि रूट थ्री क्या है, परिमेय संख्या, इसको हमको मानना है। माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत माना। और परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, a बाय बी के रूप में लिखते हैं, जहां b बराबर डाइनोट इक्वल टू क्या होता है, जीरो, क्योंकि अगर नीचे का जो मान जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो हमारा पूरा फंक्शन ही बिगड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। रूट थ्री हम जानते हैं क्या, रूट थ्री किसके बराबर है, ए बाय बी के बराबर है। जहाँ इसमें ऐसा लिखना है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, जहाँ ए एंड बी सहअभाज्य संख्या है, बी बराबर डाई नोट इजकल टू जीरो, रूट थ्री बराबर ए बाई बी। अब इसमें हमको क्या करना है कि रूट को हटाने के लिए सिर्फ दोनों और वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर बटा वन का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर, इसका तो सिर्फ आ जाएगा क्या, तीन बराबर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तिरछा तिरछी गुना आप लोग करने जानते होंगे, थ्री गुना बी स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर, जहाँ फिर हमको बी स्क्वायर बराबर चाहिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय थ्री। अब इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, समीकरण एक मान लीजिए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या अगर कोई संख्या का स्क्वायर तीन से कट रहा है, यहाँ पे देखिए है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय थ्री, तीन से कट रहा है, तो उसका जो सिर्फ सिंगल मान भी होगा वो भी तीन से कटेगा, नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए। तो ए स्क्वायर भी क्या, ए स्क्वायर अगर तीन से कट रहा है तो ए भी तीन से कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर तीन से विभाजित है, विभाजित यानी कि भाग लग रहा है, ए स्क्वायर तीन से विभाजित है, तो ए भी सिंगल ए स्क्वायर का बात नहीं हो रहा, सिंगल ए भी तीन से विभाजित होगा। चलिए इसको हम डालते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे क्या, पहले मैंने क्या लिखा, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, रूट थ्री बराबर ए बाय बी, दोनों ओर तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर यानी कि इधर भी उधर भी, तो हो गया क्या, थ्री बराबर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको गुना में इधर भाग में चल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बाय थ्री। अब जब ए स्क्वायर कट रहा है तीन से, तो हम ऐसा मानते हैं कि तीन भी यानी ए भी तीन से कट रहा होगा, ठीक वही लिखे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर तीन से विभाजित है तो ए भी तीन से विभाजित होगा, ए बराबर थ्री डी, कैसे, हमने यहाँ पे बताया था क्या, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय तीन, तो ए भी तीन से कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये कट रहा है तो हम कितनी बार में कट रहा है ये पता नहीं, तो क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल फिर यहाँ से मान लेंगे, कितना डी बार में कट रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, थ्री डी। अच्छे से समझे बारीकी से, तीन नंबर से पाँच नंबर छः नंबर तक फिक्स है इससे एक सवाल से, ठीक है, ए बराबर कितना मान लिए, थ्री डी। अब इसको क्या करना है, मेन कारण, अब इसको आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ए बराबर थ्री डी को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जब इसको रखेंगे कितना होगा, यहाँ पे फर्स्ट कितना है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय थ्री, तो बी स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू कितना है, थ्री डी, यानी कि
थ्री डी पर पावर टू बराबर थ्री, बी स्क्वायर बराबर नाइन गुना डी स्क्वायर बाय थ्री, तीन से नौ जाएगा कितने बार में, तीन बार में, तो बी स्क्वायर बटा तीन बराबर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमने यहाँ पे क्या माना था कि जहाँ ए एंड बी सह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया तीन से विभाजित, तो बी भी तीन से विभाजित होगा। हमें पहले बता चुके हैं क्या, जब ए स्क्वायर तीन से विभाजित है तो ए भी तीन से विभाजित होगा। यहाँ पे आ गया क्या, बी स्क्वायर बाय तीन, जब बी स्क्वायर तीन से विभाजित है तो हमारा बी भी तीन से विभाजित होगा। जब तीन से विभाजित होगा तो क्या होगा कि अतः अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे माना था क्या कि ए एंड बी का जो कॉमन होगा गुणनखंड का एक होगा, लेकिन यहाँ पे तो गुणनखंड का कॉमन कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। ए यानी कि बी भी तीन से कट रहा है और ए भी तीन से कट रहा है, तो इसका कॉमन गुणनखंड कम से कम तीन होगा। तो अतः क्या लिखना है, अतः ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब हमारी माने थे सहअभाज्य संख्या है, लेकिन आ गया क्या, सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत, तो हमारी मान्यता गलत है, अर्थात रूट थ्री एक ऊपरी में संख्या है। प्रूव यहाँ पे लिख दीजिए, हमने साबित कर दिया क्या, हमने माना था क्या रूट थ्री एक परिमेय संख्या, लेकिन हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत यानी रॉन्ग हो गया। कैसे, तो हमने माना था सहअभाज्य संख्या, लेकिन आ गया क्या, अभाज्य संख्या जिसका विपरीत है। तो जब यहाँ विपरीत माने थे लेकिन परिमेय नहीं हुआ, परिमेय नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।